मोहम्मद बिलाल वाली सस्तानी है और मैं लाकाड़ा गांव मदा बख्श में रहता हूँ। मेरा आज का पैगाम कोरोना वायरस की वजह से है, जो कि बहुत ही जरूरी है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, और लड़ने के सिस्टे की हल है। घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर जाना जरूरी हो तो चेहरे पर मास्क लगाकर और हाथों पर दस्ताने पहनकर बाहर निकलें। हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बार बार ये पैगाम आता है और आ रहे हैं खबरों में और टेलीविज़न पर हर रोज़ और हर वक्त यही खबरें हैं। कोरोना से बचें, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात है, और वो ये है कि मुंह पर मास्क पहने, हाथों को हर वक्त साफ रखें और बार बार धोएं। अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो उससे हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, और कम अज कम 2 से 2.5 मीटर फासला रखें। अगर हमारे हमसाये गरीब हैं तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर दुकानदार किसी को सादा दे रहा है तो उसे चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उसे वापस भेजे। घर में या घर से बाहर हो तो फिर भी मास्क पहनकर बैठें। अगर हमारे हमसाये गरीब हैं तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। आप जानते हैं कि कोरोना चिकनाहट की वजह से जल्दी असर करता है, इसलिए चिकनाहट से बिल्कुल दूर रहें। अमेरिका जो सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है, उससे भी ये काबू में नहीं हो रही तो हम बहुत गरीब मुल्क हैं। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और एहतियात करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से महफूज रखे, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इन बातों के साथ साथ मोहम्मद बिलाल वाले सफर लिख दें। इजाज़त, वस्सलाम, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।